किसी तरह से ये पुर्जे अंदर चलते हैं केवल आत्मा की शक्ति से, वही जो रामधन जी से कहते। अच्छा, अगर वो कम होता चला गया तो भी ठीक है, बाहर की चीजें कुछ काम करेंगी, ये ऑपरेशन इधर करना उधर करना, ठीक है, कुछ होता रहेगा, लेकिन कब तक होता रहेगा? लेकिन जिसे शुरू से रास्ता मिल जाए अंदर के धन का, उसके पुर्जे क्यों खराब होने लगे? यही कारण है कि हमारा आध्यात्म का इतिहास तो ये कहता है कि वाल्मीकि की उम्र को 1000 साल की थी। उम्र बढ़ने के साथ तंदुरुस्ती का बिगड़ हो, ये बात अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे से क्यों घबराएगा? इसी तरीके से उम्र बढ़ने के साथ, अब देखिए हम दूसरी तरफ आते हैं, उम्र बढ़ने के साथ केवल टेंशन का कम होना, तंदुरुस्ती बढ़ना, शरीर का रोग कम होना, एक ही बात। केवल उम्र बढ़ने के साथ दिल के दुख कम होने, चलो मानते हैं कि सारे दुख नहीं है, ये कम तो होते चले हैं। अब समाज में क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा, आदमी बुढ़ापे से क्यों घबराता है? जब बुढ़े हो जाएंगे तो शरीर भी खराब जाएगा, दिमाग की परेशानी दिल के दुख में फर्क होता है। दिमाग की परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको क्रिया की दिशा नहीं मिलती। हम क्या करें इसका जवाब किसी खास परिस्थिति में, कि हम क्या करें इसका जवाब आपको नहीं मिलता और तभी आप परेशान होते हैं। हम एक उदाहरण देख रहे हैं, एक बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके जवान लड़के की डेथ हो जाती है, तो उसके मन में ये तो नहीं आ सकता ना कि अब कल कमाने वाला चला गया, चूल्हा कहाँ से चलेगा? लेकिन दुख तो होगा जवान बेटे के मरने का, तो ये परेशानी तो नहीं हुई ना। अगर एक बच्चा, एक धनवान व्यक्ति है, उसका एक जवान बेटा किसी तरीके से डेथ हो गई, तो उसको कोई परेशानी तो नहीं हो सकती कि कल पैसा कहाँ से आएगा, हम आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, लेकिन उसके दुख में तो कोई कमी नहीं है, तो बहुत हो, बहुत दुख हो। तो परेशानी और दुख में क्या फर्क है? हाँ वही बता रहे, हाँ वही बता रहा। एक हमारे जैसे पहले जमाने में महिलाएं थी हिंदुस्तान में, खासतौर से वो काम करना नहीं सीखती थी, बाहर की दुनिया में पैसा कमाना नहीं सीखती थी, बहुत जल्दी यंग एज में विधवा हो गई। अब उनको तो यही नहीं समझ में आता है कि हम अपनी ज़िंदगी चलाएं कैसे, क्या करें, कहाँ से कैसे कोई चीज़ लाएं। तो क्रिया को दिशा देना, क्रिया को दिशा कैसे दें कि हमारी ज़िंदगी आगे चले, ये ना समझ में आना कि हम क्या करें क्या ना करें। देखिए बुद्धि का काम क्या है आप बताइए, बुद्धि किसे कहते हैं? दिशा देती है, बस बुद्धि का एक ही काम। अगर बुद्धि का केवल ये काम है कि आपकी क्रियाओं को दिशा देती जाए, तो जब क्रियाओं को दिशा ना मिले तभी तो परेशानी पैदा होगी। जब ऐसा है दोनों कनेक्टेड है ये, ऐसा है दुख से परेशानी होगी, जब जब आप दुखी रहेंगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, ये तो ऑल इंटरकनेक्टेड डिपेंडेंट है, अलग कैसे कह सकते हैं? हमारा हाथ पैर आँख नाक कान सर सब कनेक्टेड है, हाथ को पैर तो नहीं कहते, पैर को हाथ नहीं कहते, दुख और परेशानी दोनों कनेक्टेड तो है ही, तो मानते हैं, लेकिन एक ही थोड़ी है, डिफरेंशिएट करो ना। वही और मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूँ, मैं इतनी देर से केवल डिफरेंशिएट ये कर रहा हूँ कि जब सारी क्रियाओं हैं, देखिए जब आदमी जिंदा है तो कुछ क्रियाएं तो होंगी, ये तो आप मानते हैं, तो क्रियाओं को दिशा देने में जरा भी समस्या नहीं है। चलिए परेशानी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर फिर भी परेशानी है, जिसको परेशानी नहीं कहते दुख कहते हैं,
क्रियाओं को, जब तक आदमी जिंदा है उसे क्रिया तो करनी है भाई, ये करना है, ये करना है, जिंदगी पालने के लिए करना है, अपना जीवन चलाने के लिए करना है, और वहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं, तो वो जीवन का दुख है। वही एग्जाम्पल मैंने देके भी समझाने की कोशिश किया कि एक धनवान व्यक्ति है, उसको घर चलाने की कोई समस्या नहीं है, घर चलने से संबंधित क्रियाओं में तो समस्या पैदा ही नहीं हुई, बच्चे की मृत्यु से अंदर का दुख हुआ, केवल मन का हुआ। दुख ये भी कह सकते हैं, मान लो किसी के पास पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन मान लो किसी ने धोखा दिया, तो धोखा दिया तो उसको कोई परेशानी तो नहीं है, पैसे ही दिए, लेकिन चूंकि धोखा दिया इसका दुख है। बिल्कुल ठीक, दुख ही दुख माना जाएगा, एक ही बात है ना, चाहे बच्चे की डेथ हो और चाहे जिससे आप उम्मीद करते हैं कि ये हमको धोखा नहीं दे सकता, बाकी सब दे दिया, अब उसने धोखा दे दिया, तो एक ही बात है ना, जिसका संबंध मन से है, जिंदगी की वो कमियां जिनका संबंध मन से है उसको दुख कहते हैं, जिंदगी की वो कमियां जिनका संबंध बुद्धि से है उसे परेशानी कहते हैं, जिंदगी की वो कमियां जिनका संबंध शरीर से है उसे स्वास्थ्य की खराबी कहते हैं। तो दिल की मन कह दो ना, बात क्लियर हो गई, दिल की बजाय मन कह दी, मन का दुख। अरे भाई वो उर्दू शब्द है, वो हिंदी शब्द है, कभी उर्दू बोल देता हूँ, कोई बात नहीं हुई, क्लियर हो गई बात। हाँ तो ठीक है, आप दिल उर्दू में कहते हैं मन, तो हम लोग अभी यही कह रहे, बात कर रहे थे कि अंदर का धन क्या है और अंदर के धन की कमी हम किस तरीके से महसूस करते हैं, ये बताया, तीन रूप में महसूस करते हैं। जब कमी है तभी तो कर्ज होगा ना, तो कर्ज शब्द इस्तेमाल कर दिया था। अब सवाल ये है, कमी महसूस तो करते हैं कैसे, ये तो पता लग गया, कमी का कारण क्या होता है, अंदर की दुनिया से आंतरिक दुनिया के धन के संदर्भ में हम गरीब ना रहें, और अगर धीरे धीरे अंदर का धन कम होता जा रहा है तो उसे महसूस कैसे करें। यहाँ तक तो अभी बात हुई, आगे बात उठती है कि ये कमी क्यों आती है, इन कमियों का कारण होता है कर्म बंधन। अब ये कर्म बंधन क्या है ये हम समझते हैं, बाहर के सारे कर्मों का कुछ ना कुछ हमारे मन पर, शरीर पर, बुद्धि पर, तीनों पे एक छाप पड़ती है, जैसे थकावट, केवल बाहर की क्रियाओं का प्रभाव शरीर पर, ये थकावट की परिभाषा हुई। सुख और दुख ये बाहर की क्रियाओं के दो तरह के छाप मन पर पड़ते हैं। आप सिनेमा देखिए, घूमने जाइए, नाच गाना में भाग लीजिए, सत्संग में भाग लीजिए, दो तरह के छाप मन पर पड़ेंगे, जो अच्छा लगता है सुख कहते हैं, बड़ा मजा आया, खेल कूद, जब खराब लगता है दुख कहते हैं। इसी तरह से एक बच्चा है, एक घंटा मैथमेटिक्स पढ़ता है लगातार, अब वो कहता है बिना दो सिनेमा का गाना सुने तो मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते, या एक घंटा खेलेंगे तो 15 मिनट और पढ़ लेंगे, तो अगर वो थक गया होता तो वो ये क्यों कहता हम खेलने जा रहा है, इसके मन थका तो नहीं है, शरीर से तो नहीं थका है, बुद्धि उसकी थक गई होगी। तो ये
हम थकावट क्या, ये हम कह रहे हैं कि बुद्धि पर छाप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धि पर छाप क्या चीज होती है, ये उनके बुद्धि पर छाप पड़ी है केवल, कि वो अब मैथमेटिक्स नहीं लगा सकता, सिनेमा का गाना सुन सकता है, खेलने जा सकता है, क्रिकेट खेल देख सकता है, सब कर सकता है। तो हर क्रिया की छाप मन बुद्धि शरीर तीनों पर पड़ती है, लेकिन जब क्रिया ही नहीं होगी तो क्रिया की छाप कैसे पड़ेगी। इसके माने सारी क्रियाओं का छाप क्रिया के समय ही पड़ता है, और आराम के समय ये छाप नहीं पड़ती, क्योंकि छाप कर्म इसी को कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन क्योंकि अंदर का धन, अब देखिए यही एक बात है जो बहुत अच्छी तरह समझती है, आत्मधन आंतरिक जगत का प्रकाश होता है, बाहर का धन बाहर का प्रकाश नहीं होता, बाहर का धन बाहर का प्रकाश दो अलग अलग चीज, लेकिन आंतरिक धन आंतरिक जगत का प्रकाश होता है, इसीलिए वो ज्ञान कहलाता है। और ये कर्म बंधन आंतरिक जगत के बादल होते हैं, तो ये कर्म बंधन आंतरिक जगत के प्रकाश को ढकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बादल सूरज को ढक लेते, जब बादल सूरज को ढकता है तो पृथ्वी को रोशनी कम मिलती है, इसी तरह से जब ये कर्म बंधन बादल रूपी कर्म बंधन अंदर के प्रकाश को ढकते हैं, तब मन को आत्मधन आत्मशक्ति अंदर का प्रकाश कम मिलेगा। और कहीं पर मैंने लिखा है, मुझे याद नहीं, ये जो मन होता है ये अंदर की दुनिया के प्रकाश का शक्ति घर है, अंदर की शक्ति का शक्ति घर है। अगर उसको आप धन कह दें तो बैंक कह दीजिए, बैंक है, जो मर्जी कह दीजिए, वो इकट्ठा मन में होता है, मन ही बुद्धि को शक्ति दे देती है, शरीर को शक्ति दे देती है। और जब मन को ही शक्ति मिलनी कम हो गई तो शरीर बुद्धि को तो अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए जैसे बाबू उमाकांत अभी सवाल कर रहे थे ना, बड़ा दिक्कत हो रही थी समझने में कि परेशानी दुख दो कहाँ है, तो जब मन में कम हो गई तो थोड़ा सा दुख तो मन में शुरुआत हो जाती है, सारे दुख आपको परेशान कर देंगे और आपकी तंदुरुस्ती को खराब कर देंगे, या परेशानी स्थायी हो जाए तो दुख का कारण बन जाए। दुख अस्थायी जब होगा, जब दुख अस्थायी होता है तो परेशानी जरूर आनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो देने वाला है जब वो कमजोर होता जा रहा है, जब उसी के पास कमी होती चली जा रही है तो देगा कहाँ, जो दाता है उसके पास कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर दाता के पास कमी हो गई तो जिसे लेना है उसके पास तो कमी हो ही जाएगी। तो शरीर और बुद्धि को मन से लेना है, ये बात सच है कि सब कनेक्टेड है, सब जुड़े हुए हैं। अरे भाई मन से शरीर जुड़ा है तभी तो हमारा शरीर जलाया नहीं जा रहा है, जिस दिन मन से अलग हो जाएगा उस दिन तो 24 घंटे भी कोई नहीं रखेगा अपने घर में, तो सब जुड़े हुए तो भाई। और यह है कि शरीर बुद्धि का नंबर बाद में है, पहले मन का है, शक्ति आत्मशक्ति पाने के संबंध में, आत्मशक्ति पाने संबंध में मन को मिलेगी, पहले मन को मिलेगी और तब बुद्धि और शरीर को मिलेगी। मन के बाद में पहले बुद्धि का नंबर आएगा या पहले शरीर का नंबर पहले आएगा? बुद्धि का। अच्छा उसको क्यों बुद्धि का नंबर क्यों आएगा? मन बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि बहुत स्थूल है, तो मन के नजदीक जो सूक्ष्म होगा वही तो होगा ना, जो स्थूल होगा वो कुछ तो दूर हो ही जाएगा। तो बुद्धि जो है वो बहुत सूक्ष्म है,
इसलिए उसको तुरंत मिल जाएगा। स्नायु मंडल का है तो ठीक नहीं रहेगा, नर्वस सिस्टम का है। नर्वस सिस्टम तो शरीर को देगा भाई, नर्वस सिस्टम शरीर की चीज है, शरीर के जड़ को नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो समझ लो एक पेड़ है और पेड़ का जड़, पेड़ और पेड़ का जड़ दो अलग अलग चीज की नहीं, तो शरीर को पेड़ मान लो तो नर्वस सिस्टम जड़ हो गया। कई बार बुद्धि कई सवाल भी खड़ा कर देती है, जैसे एक आया सवाल बुद्धि, एक सवाल के 25 सवाल पैदा, वही तो परेशानी हुआ ना। और वो तभी होगा, वो तभी होगा जब मन को, मन जो है बुद्धि को आत्म सत्ता देने में सफल नहीं है। और ये जो हम लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ये मान के चलता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको ध्यान करना आता है। अगर कोई आदमी पहली बार आया है और नहीं आता है तो वो हमसे बाद में कभी मिल रहे तो हम बता देंगे, लेकिन ये कि हम मान के चलते हैं कि ध्यान वगैरह करना सबको आता है, सब अभ्यास करते हैं। तो ध्यान सिर्फ इसीलिए किया जाता है जिससे अंदर के धन की कमी ना रहे, क्योंकि बाहर का धन इंद्रिय सुख का साधन तो दे सकता है लेकिन इंद्रिय सुख नहीं दे सकता। तो शरीर में जो शक्ति मिलेगी मन के द्वारा वो अंत में मिलेगी, तो अंत का मतलब अंत तो कहाँ होता है, बाद में मिलेगी। हाँ, ये बाद में जो इतना डिफरेंस थोड़ी ना होता है कि आप उसको घड़ी से नाप सकें, ये एक सेकंड बाद मिलेगी, चार सेकंड, अब आपको ये पांच सेकंड बाद मिलेगी, दस सेकंड बाद। कंप्लीटली तो नहीं कहा जा सकता, अपन तो मतलब कि इसमें ज्यादा विलंब होगा, यानी मतलब कि विलंब का सवाल नहीं है। शरीर जो है मन अगर तगड़ा हुआ, आप ऐसे समझिए, शरीर उतनी जल्दी तगड़ा नहीं होगा, नहीं सब तगड़ा होगा। आप ऐसे समझिए कि जब शरीर की ओर जाएगा, शक्ति चलेगी, प्रभावित होगी, तो बुद्धि बीच में है, ऐसे समझ लीजिए। तो फिर क्या, तो उसमें कोई देर नहीं, वो इतना ज्यादा ऐसे उसमें से बात करने की कि वो देर में वो होगा और ये जल्दी होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जो कर्म बंधन है, मैंने कहा केवल कर्म बंधन ही कारण है। अब ये तो देखिए, हमने आपको आर्गू करके सिखाया, और फिर वकील बहस करके न मालूम गलत सही, सही को गलत बनाना उसके बाएं हाथ का। तो आर्गुमेंट से समझने से कुछ नहीं, सारी चीज आपको महसूस करके समझना चाहिए। तो अब इसी बात को, जो बात हमने आपसे कही, अब इसको महसूस करके कैसे सीखें? तब हम कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, तो अभी 6 महीने का है, 10 दिन का है, 2 महीने का है, वो आया कहाँ से? भगवान की दुनिया से इस जमीन तक आ गया। कहीं हमने ये भी लिखा है कि माँ बाप तो उस सड़क का नाम है, माँ बाप उस सड़क का नाम है जिस सड़क से होकर के जीव आत्मा ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आती है, ये एक रास्ता है। इसी रास्ते से जीव आत्मा मृत्युलोक में प्रवेश करती है। अच्छा, अब अगर वो ब्रह्मलोक से आती है तो उसके पास केवल एक शक्ति होगी, और उस वो शक्ति ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म सुख, ब्रह्म की शक्ति है तो ब्रह्म का सुख है, आम है तो आम का जायका है, आम का मजा है, तो ब्रह्म की शक्ति है तो ब्रह्म का। अब इस बच्चे को आप पूछिए और मेरी बात की सत्यता समझ में आ जाएगी। इस बच्चे के मन पर, शरीर पर और बुद्धि पर किसी तरह की छाप नहीं है, ये बात महसूस करना बहुत आसान है। बच्चे को तो ये कि मन, बच्चे के मन पर ये छाप भी नहीं है कि अगर मैं हाथ को, हाथ से आग को छू लूं तो मेरा हाथ जल जाएगा, ये भी छाप नहीं, कोई छाप नहीं। छाप रहित मन, छाप रहित बुद्धि, छाप रहित शरीर, इसलिए खेल क्या है प्रकृति का? खेल ये है कि जितनी ज्यादा शक्ति, आत्म शक्ति बच्चे के अंदर है उतना ही विकसित बुद्धि नहीं है, विकसित बुद्धि 0 है। बुद्ध, अब आप देखिए क्या खेल है,
बुद्धि के विकास के लिए कर्म बंधन जरूरी है और सारे बुद्धि का विकास पैदा होने के बाद होता है, लेकिन शक्ति वो लेकर के आता है उसी दिन जिस दिन पैदा होता है। जब बुद्धि के विकास के लिए कर्म का बंधन धीरे धीरे उसके बुद्धि पे पड़ता है, हम गुनगुना बजाते हैं तो बच्चा हमारी तरफ आकर्षित होता है, ये गुनगुने की छाप उसके मन से पड़ी, माँ उसको खूब मालिश उपधान तो शरीर के ऊपर सब छाप पड़, धीरे धीरे शरीर पड़ता है, दूध पिया, खाना खाया, मतलब जो भी भोजन उसको दिया गया, तो जो जो इसकी छाप पड़ क्यों तो उसका शरीर उसकी बुद्धि का विकास होता है, लेकिन मन का नहीं, मन का नहीं। बुद्धि और शरीर दोनों का विकास समाज की देन है और बिना छाप का शरीर, क्योंकि जो विकास वाला है तो छाप वाला शरीर हो गया। अब शुरू में तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये शक्ति छाप को मिटाती जाती। और यही एक कारण है कि 5 साल का बच्चा भी अगर माँ कस के चाटा मारे तो भी उसे वो चाटा ज्यादा देर याद नहीं रहता और थोड़ी देर के बाद वो फिर माँ के गोद में आके खेल लेता। माँ के चाटे की तकलीफ को भुलाने की ताकत, क्यों जो तकलीफ हो तो छाप है और भुलाना मैंने मिटा देना वो आत्मशक्ति। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, अब चाटा बहुत दूर की बात और हर आदमी कहता है जवान बच्चों को नहीं मारना क्योंकि अब तो डांट भी बड़ा मुश्किल है, अब डांट को भी सहना बहुत मुश्किल है। तो ये जो डांट का की तकलीफ, एक तकलीफ है शरीर, शरीर की तकलीफ के अलावा सारी तकलीफ जितनी है ये आपके अहम की तकलीफ, बहुत लोग अहम, ठीक है ना, अहम को भी महसूस करना पड़ेगा कि अहम है कहाँ पर हमारे, आसानी से बहस करके कोई मानने को तैयार नहीं होता हमारे अंदर, लोग कहते हैं अहम माने ईगो, ईगो माने घमंड, घमंड हमारे अंदर घमंड नहीं, हालांकि क्या क्या हमको तो घमंड नहीं थी किसी चीज़ का। धीरे धीरे ईगो, ईगो ही दूसरी चीज की तकलीफ होती है, तकलीफ कुछ दो है, एक ईगो की तकलीफ और एक शरीर, शरीर की तकलीफ के लिए ईगो की जरूरत, शरीर में डंडे पड़े तो दर्द हो गई होगा, उन्हें ईगो की तो कोई बात नहीं,